हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी डे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी अभी चार आरआरबी जोन से लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। देखिए, टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक न्यू सर्कुलर जारी हुई है एडिशनल डिमांड के रिगार्डिंग, यानी किस जोन में कितनी एडिशनल वैकेंसी है, रिप्लेसमेंट वैकेंसी है, उसकी डिटेल फिर से मांगी गई है। देखिए, ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है फ्रेंड्स। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स फिर से ग्रुप डी का डिक्रीज हो चुका है और न्यू रिप्लेसमेंट डीबी अभी पब्लिश कर दी गई है। नया पैनल लिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड्स कई जोन से, और कट ऑफ मार्क्स भी डिवाइड वाले जारी कर दिए गए हैं। देखिए, अभी तक ग्रुप डी में सीटें नहीं भर पाई है। एएलपी टेक्नीशियन की बात करें तो जो अभी एडिशनल डिमांड के रिगार्डिंग नया रिप्लेसमेंट पैनल आया था, वहां पे दोस्तों एक जोन से पैनल को ही विथड्रॉ कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। तो आइए पूरी ऑफिशियल अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आपके मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक लाया है एक बहुत ही अच्छी डील। देखिए, इनका अभी अंतिम अवसर सेल चल रहा है जिसमें छात्रों को लास्ट चांस मिल रहे हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए। यहां पे देखिए, 1 जुलाई से सारे के सारे टेस्ट बुक पास के दोस्तों प्राइस बढ़ने वाले हैं, यानी कि 18 मंथ वाला टेस्ट बुक पास 499 में बाय कर पाइएगा 1 जुलाई के बाद। लाइफ टाइम का आपको 699 लगेंगे, लेकिन अभी जो ऑफर है यहां पे कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो तुरंत ही आपको 10% ऑफ मिल जाएंगे। यानी कि अभी 18 मंथ वाला टेस्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ ₹360 में बाय कर सकते हो, और इसके बाद लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास 3 ईयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹540 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है लगभग सभी के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आरआरसी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी साइको टेस्ट, इसके बाद एसएससी बैंकिंग। यहां पे देखिए, अमेजन पे से पेमेंट करने पे फ्लैट ₹50 एक्स्ट्रा आपको कैशबैक भी मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आई है ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए। देखिए, यहाँ पे मैंने आरआरसी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और बड़ी खबर है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, रिप्लेसमेंट डीबी 3 जारी करवा दिया गया है, काफी सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 2 भी पब्लिश कर दिए गए हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और कट ऑफ मार्क्स भी रिवाइज वाले पब्लिश हो चुका है। तो यही नोटिस। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई सीएन नंबर 2/2018 पोस्ट कैटेगरी नंबर 14 ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। फ्रेंड्स, इस जोन से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट काफी सारी वैकेंट हो चुकी थी, जिसके रिगार्डिंग 100% भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने के बावजूद भी यहां पे दो दो रिप्लेसमेंट डीवी इन्होंने जारी किया, फिर भी दोस्तों सीटें नहीं भर पाई है, इसीलिए 3rd रिप्लेसमेंट डीवी ये लोग अभी जारी कर दिए हैं कट ऑफ मार्क्स को डिक्रीज करते हुए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट अगेंस्ट रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट फॉर साउदर्न रेलवे रिप्लेसमेंट डीवी 3rd। यहां पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कब से कब तक आपके एग्जाम चले थे, डीबी पीईटी और सारा कुछ कब से कब तक हुआ था। इसके बाद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट की अभी तक सीटें खाली है, और जितने छात्र को अभी इस डीबी में बुलाए गए हैं यहां पे जाके आपको डीबी कंडक्ट करवाने हैं। इसके बाद देखिए, ऑफिशियल ई कॉल लेटर डीबी के लिए डाउनलोड कर सकते हो, लिंक यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। अब जितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उनके कुछ इस प्रकार से लिस्ट दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से मिला लीजिएगा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ डीबी। तो 13/7/2022 को डीबी होने वाले हैं और सुबह 9:30 बजे इनको यहां पे पहुंचना होगा। इसके बाद देखिए, यहां से सारे छात्र चेन्नई जोन वाले मिलाते जाइएगा, 13/7/2022 को इनके होने वाले हैं और यहां पे टोटल 27 छात्र हैं जिनका इस लिस्ट में नाम आ चुका है। कट ऑफ मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। देखिए, जो रिवाइड अभी कट ऑफ मार्क्स है इस प्रकार से फ्रेंड्स, अनरिजर्व कैटेगरी का देखिए 61.79 कट ऑफ रह चुका है, एससी की बात करें तो 61.68 कट ऑफ हो चुके हैं, और एसटी की बात करें तो चेन्नई जोन से 59.77 जिनका मार्क्स था उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यूआर की कट ऑफ इतना 61.79 आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी से पीईटी क्वालिफाइड छात्र, फिजिकल पास छात्र है ही नहीं चेन्नई जोन से, इसीलिए कट ऑफ मार्क्स को जब डिक्रीज किया गया तो जो छात्र यहाँ पे एससी और एसटी से पीईटी पास हैं, फिजिकल पास हैं, वो छात्र यहाँ पे यूआर में काउंट हो गए, यूआर में आ गए, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स इतना कम गया है। तो ओरिजिनल जो जनरल वाले छात्र हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं है, कोई फिजिकल पास ही नहीं थे, तो बस एससी एसटी वाले ही छात्र हैं जो कि इसमें आ चुके हैं, यूआर में आ गए हैं जब कट ऑफ डिक्रीज हुई है। तो अब नेक्स्ट नोटिस देखिए, जो कि चेन्नई जोन से ही है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 2 जारी करवा दिया गया है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट के लिए, जो कि सेकंड रिप्लेसमेंट डीबी हुआ था उसके रिगार्डिंग। देखिए, जो जो छात्र यहाँ पे बिल्कुल सही पाए गए हैं डीबी और मेडिकल के बाद उनके लिस्ट आ चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन इनका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और फादर नेम दिए गए हैं। यहां से सारे के सारे छात्र चेन्नई जोन वाले मिला लीजिएगा, टोटल बात करें तो टोटल 42 छात्र हैं जिनका यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी के तहत सिलेक्शन हो चुका है, और ये जो रिप्लेसमेंट डीबी हुआ था फ्रेंड्स, इसमें जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं उनके कट ऑफ इस प्रकार से कुछ है, और इससे भी कम गया है जो अभी रिप्लेसमेंट डीबी 3rd जारी हो चुका है उसमें। अब नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस देखिए, जो कि आई है आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए है। यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 15 पीडब्ल्यूडी, तो प्रोविजनल पार्ट पैनल 15 पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्रों का जारी हो चुका है, यहां से देख लीजिएगा। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 4 छात्र है जिनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे ग्रुप डी में हो चुका है। अब सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए
एक कट ऑफ मार्क्स जारी करवा दिया गया है। अभी तक जितने भी डीबी हुए हैं मुंबई जोन से, उन सभी का यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स पब्लिश हो चुके हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, जो फर्स्ट डीबी हुआ था कुछ इस प्रकार से यूआर का कट ऑफ गया था डीबी के लिए, ओबीसी का इतना था, एससी का इतना, एसटी का इतना, बाकी धीरे धीरे जब सीटें नहीं भरी तो फिर से सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी, सिक्स डीबी, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ डीबी तक करवाए गए, जिसमें इस प्रकार से कट ऑफ रहे हैं। लास्ट कट ऑफ की बात करें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पे फिफ्थ डीबी में ही 68.95 यहाँ पे कट ऑफ गया था यूआर का। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी का देख लीजिए, जो लास्ट डीबी का कट ऑफ गया है यहाँ पे 68.34 नंबर, इससे कट ऑफ गए हैं। और बाकी एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखिए 63 है, और एसटी में बात करें तो 58 यहाँ से है। बाकी एक सर्विसमैन का यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है डीबी के लिए, और इसके बाद अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनके यहाँ पे कट ऑफ मुंबई जोन से मेंशन किए गए हैं, नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी कि नॉर्मल छात्रों का कट ऑफ। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट आए हैं यहाँ पे आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए आरआरबी बिलासपुर जोन से। देखिए यहाँ पे एक एडेंडम नोटिस लेटेस्ट में जारी की गई है। देखिए एडेंडम टू प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 7 29/6/2022 के डेट में, यहाँ पे जो प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 7 आया था, इसमें दोस्तों एक एडेंडम नोटिस पब्लिश की गई है। जैसा कि दोस्तों ये नोटिस आया था 28/6/2022 के डेट में, इसमें जितने भी छात्र थे सिलेक्टेड यहाँ पे नॉन टर्नअप वाले, उनके इस तरह से लिस्ट में नाम दिए गए थे और कट ऑफ मार्क्स भी इस तरह से पब्लिश किए गए थे इस रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 7 के। अब इसी नोटिस के संदर्भ में जो आज यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस पब्लिश हुआ है एडेंडम वाला, कुछ इस प्रकार से है। देखिए सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018 एलपी एंड टेक्नीशियन प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 7 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ देखिए इसमें क्या ऐड किया गया है, द कैंडिडेट्स इम्पैनल्ड अगेंस्ट द एबव रिप्लेसमेंट पैनल्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अंडरटेकिंग बिफोर द जोनर रेलवे दैट दे विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन टू असर्टेन दियर मेडिकल फिटनेस सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट इनकेस दे आर नॉट फाउंड फिट दियर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी जो सेवेंथ रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल जारी हुआ है इस जोन से, इसमें भी दोस्तों इस पार्ट को ऐड इन्होंने कर दिया है कि जितने छात्र का भी सिलेक्शन हुआ है इन सभी छात्र को फिर से री मेडिकल देना होगा, और री मेडिकल के रिगार्डिंग एक यहाँ पे अंडरटेकिंग भी सबमिट करना होगा जोनर रेलवे में। तो यहाँ पे री मेडिकल देने होंगे, और जो छात्र इस री मेडिकल में पास करेंगे उन्हीं को यहाँ पे ये वाली पोस्ट मिल पाएगी टेक्नीशियन वाली, और जो जो पैनल आए हैं उसके रिगार्डिंग, और जो छात्र पास नहीं कर पाएंगे उनको यहाँ पे कोई जॉब नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स देख रहे हो कि जितने भी अभी वेटिंग लोग क्लियर कर रहे हैं, सभी छात्रों से एक अंडरटेकिंग लेने की बात कही जा रही है कि री मेडिकल आपको देना होगा और री मेडिकल पास कीजिएगा तभी आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। तो इस चीज को इन्होंने ऐड कर दिया है आरआरबी बिलासपुर जोन से रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 7 में। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि आई है आरआरबी अहमदाबाद जोन की तरफ से एलपी एंड टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट अपडेट पब्लिश किया गया है 27/6/2022 के डेट में, एडिशनल रिजल्ट फॉर एलपी पब्लिश्ड ऑन 24/6/2022 हैज बीन विथड्रॉन। यानी फ्रेंड्स, एडिशनल रिजल्ट जो एलपी के रिगार्डिंग पब्लिश किया गया था 24/6/2022 के डेट में, इसको दोस्तों विथड्रॉ कर लिया गया है, यानी कि वापस इस पैनल को ले लिया गया है। देखिए 24/6/2022 के डेट में यहाँ पे एलपी और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग दो दो पैनल आए थे। एक तो फ्रेंड्स रिप्लेसमेंट रिजल्ट फॉर एलपी का जारी हुआ था, इसके बाद एडिशनल रिजल्ट फॉर एलपी एंड एडिशनल रिजल्ट ऑफ टेक्नीशियन विद कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए थे। तो इसको फ्रेंड्स अभी रेलवे ने विथड्रॉ कर लिया है, इस पैनल को वापस ले लिया है। देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे पैनल था एलपी के रिगार्डिंग था 24/6/2022, और यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट पैनल के तहत क्लियर किया गया था एससी कैंडिडेट वाले छात्र से जिनके इस तरह से मेंशन है। इसके बाद एलपी एंड टेक्नीशियन के रिगार्डिंग एक और एडिशनल रिप्लेसमेंट आए थे 24/6/2022 के डेट में, जिसमें काफी सारे छात्र का सिलेक्शन यहां पे हुआ था फ्रेंड्स, खास करके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और इसको दोस्तों कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने बाद में पब्लिश किया था यहां पे देख सकते हो। तो इस पैनल को दोस्तों इन्होंने विथड्रॉ कर लिया है, वापस कर लिया है। हालांकि कारण नहीं बताया गया है कि किस कारण से इनको वापस किए गए हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि जिस तरह से अभी डायवर्जन करके छात्रों को दूसरे दूसरे जोन में भेजे जा रहे हैं, हो सकते हैं कि कुछ यहां पे गड़बड़ी हुई होगी इस पैनल को बनाने में, इसीलिए अभी विथड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया गया है। हालांकि जितने भी पैनल वापस किए गए फ्रेंड्स, इसको फिर से ये लोग रिपब्लिश करेंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ गड़बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स यहाँ पे पैनल बनाने में, तो इस तरह से वापस ले लिया जाता है, इनको विड्रॉ कर लिया जाता है। बाकी दोस्तों कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे फिर से आपको जो एडिशनल पैनल है करेक्ट करके आपको जारी करवा दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी देखिए फ्रेंड्स, इस पैनल में ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑफिशियल दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एलपी वाले का पैनल यहाँ पे वापस लिया गया है, या फिर टेक्नीशियन कैटेगरी के जो आए थे इसको भी वापस लिए गए हैं, क्योंकि पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया नहीं है। तो वेबसाइट से नंबर भी निकाल के आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल पे दोस्तों कॉन्टैक्ट करके आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो कि क्या कारण था कि यहाँ पे विड्रॉ किया गया है और कब तक आ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, टेक्नीशियन में जो भी वेटिंग वाले छात्र हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर पब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली डेटेड 24/6/2022 एडिशनल डिमांड के रिगार्डिंग, यहाँ पे एडिशनल रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए जनरल मैनेजर, इन सभी जोन के जनरल मैनेजर के पास दोस्तों ये लेटर है, ये ऑर्डर भेज दिए गए हैं।
जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट के साथ साथ टेक्नीशियन के वेरियस कैटेगरी वाले छात्रों का भी वेटिंग क्लियर होना है। और यहाँ पे 7/6/2022 के रेट में एक ऑर्डर जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे न्यू दिल्ली ने कि यहाँ पे जो भी वेटिंग क्लियर करना है उनके रिगार्डिंग जोन वाइज यहाँ पे डिटेल्स दिए गए थे, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे जोन है, टोटल 12 जोन है, जहाँ पे इस तरह से डिटेल्स की बारे में बताए गए थे कि एडिशनल डिमांड कितना है और रिप्लेसमेंट डिमांड कितना है, जिसमें सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ECOR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, RWF, साउदर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसके बाद वेस्टर्न रेलवे, फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, मात्र 12 जोन थे। बाकी जो जोन बच गए ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे और सारे जोन, वहां की कोई भी डिमांड इस तरह से आई नहीं थी और कोई भी अपडेट दिए नहीं गए थे। तो इतने सभी जोन से तो मिला के यहाँ पे लगभग 1900 के आसपास जो है टेक्नीशियन वाले छात्र का वेटिंग क्लियर करना है, लेकिन बाकी सारे जोन बच गए वहाँ पे क्या डिमांड है, वहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली है, कितना एडिशनल वैकेंसी है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी। इसलिए फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी कर दिया है और फिर से सारे छात्रों की जो भी यहाँ पे एडिशनल वैकेंसी है, जो भी रिप्लेसमेंट वैकेंसी है, उसकी डिमांड मांगी गई है। तो देखिए जितने और जोन बच गए थे उनके पास ये दोस्तों ऑर्डर भेज दिया गया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, मेट्रो रेलवे कोलकाता, BLW बनारस, इसके बाद ICF चेन्नई, RDSO लखनऊ, RCF कपूरथला, इसके बाद DMW पटियाला और CLW चितरंजन। तो यहां से भी सारी जो एडिशनल डिमांड टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए है मंगाई गई है। देखिए सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसी बाय जोनल रेलवे फ्रॉम स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट एंड एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल बियॉन्ड 2 ईयर्स अंडर CN 1/2018 टेक्नीशियंस। देखिए बोले गए हैं इस लेटर नंबर के अकॉर्डिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक इंस्ट्रक्शंस जारी किया था सभी जोनल रेलवे के पास कि आपके जोन में जितनी भी टेक्नीशियन कैटेगरी के पोस्ट वैकेंट है, एडिशनल पोस्ट वैकेंट है या फिर रिप्लेसमेंट वैकेंसी वैकेंट है, उसको वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग सारे जो डिटेल्स है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजना जरूरी है। तो यहाँ पे कई सारे जोन ने अपने अपने जो वैकेंसी थी एडिशनल वाली वो भेजी थी। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक ऑर्डर पास किया था 7/6/2022 के डेट में और जितने जोन ने भेजा था उनकी लिस्ट जारी की थी और लगभग 1900 के आसपास वेटिंग जो है क्लियर करने की बात कही गई थी। हालांकि कई सारे जोन थे जो कि यहां पे डिटेल्स ही नहीं भेजे थे, इसमें यहां पे अभी लेटर उन सभी जोन को भी भेज दिए गए हैं। आगे देखिए हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट प्रपोजल सीकिंग बोर्ड्स अप्रूवल फॉर एडिशनल रिप्लेसमेंट अंडर CN 1/2018 आर बीइंग रिसीव्ड फॉर कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन। लेकिन कई जोन थे जो कि नहीं यहां पे डिटेल्स भेजे थे अपने एडिशनल वैकेंसी के रिगार्डिंग, उनको यहां पे बोर्ड की अप्रूवल अभी बिल्कुल भी जरूरी है, इसलिए फिर से उन सभी जोन से जो है डिटेल एडिशनल वैकेंसी की मंगाई जा रही है। इसके बाद देखिए इट may be confirmed by your zonal railway and production unit to submit that there is no requirement for filling up of additional replacement vacancy from standby waitlisted candidate available विद कैटरिंग RRB। अगर जो जोन यहाँ पे डिटेल्स नहीं भेजे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, उनसे यही बोले गए हैं कि आप कंफर्म कीजिए अपने जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट से कि आपके जोन में कोई भी इस तरह की वैकेंसी नहीं है जो कि यहाँ पे एडिशनल और रिप्लेसमेंट वैकेंसी के तहत यानी कि फिलअप किए जाएँ। तो अगर आपने डिटेल्स नहीं भेजी है तो इसको कन्फर्म करके भेजिए, और अगर इस तरह की कोई भी वैकेंसी है एडिशनल वाली तो उसका भी डिटेल हमें दीजिए ताकि यहाँ पे अप्रूवल मिल सके। वेटलिस्टेड कैंडिडेट अवेलेबल विद कैटरिंग RRB इन केस देयर इज डिमांड। अगर है किसी जोन में किसी टेक्नीशियन के कैटेगरी की कोई भी पोस्ट वैकेंट है, द सेम बी फर्निश्ड बाय 27/6/2022 पॉजिटिवली। इसीलिए जितने जोन में जितनी वैकेंट पोस्ट अभी खाली है टेक्नीशियन वाले कैटेगरी के, तो 27/6/2022 के डेट तक यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सबमिट कर देना है दूसरे जोन से जो कि डिटेल नहीं भेजे थे शुरुआत में। इन केस ऑफ नो डिमांड एनील रिपोर्ट भी सबमिटेड। अगर आपके जोन में कोई भी डिमांड नहीं है टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग, तो यहां पे सभी जोन को डिटेल भेजने हैं लेकिन वहां पे नील लिख के ही आपको भेजने हैं, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे फिर से अपडेट दिए गए हैं, और अगर किसी जोन में वैकेंट पोस्ट है एडिशनल वाली वैकेंसी है तो उस जोन को यहां पे सारी डिटेल्स देना होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, और यहां पे देना क्या होगा फ्रेंड्स 27/6/2022 तो बीत चुका है, यहां पे सबमिट इन्होंने कर भी दिया होगा थोड़े लेट से, ये जो इंटरनल सर्कुलर है मुझे मिले हैं। तो अब इन सभी जोन से भी फ्रेंड्स यहां पे टेक्नीशियन के वेरियस कैटेगरी वाले पोस्ट के रिगार्डिंग एडिशनल डिमांड रिप्लेसमेंट डिमांड की वैकेंसी की डिटेल्स यहां पे मांगी गई है। अगर यहां पे इन सभी जोन में भी खाली होंगे टेक्नीशियन कैटेगरी की, तो वहां पे भी दोस्तों आपके वेटिंग क्लियर किए जाएंगे। अगर नहीं खाली रहेगी तो इनको यहां पे नील लिख के भेजने हैं यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, और उसके बाद फिर से एक लेटर यहां पे जारी किया जाएगा। अगर खाली रहेंगे तो और भी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस आपके दोस्तों बढ़ जाएंगे। और देखिए 28 तारीख के डेट में जो यहां पे सिटिंग कमेटी बैठी थी रेलवे की, वहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी और टेक्नीशियन के
100% वेटिंग क्लियर करने की मांग यहां पे की गई थी फ्रेंड्स मेंबर की तरफ से, और साथ में आरआरबी जेई वाले जो छात्र वेटिंग में है उनकी भी 100% वेटिंग क्लियर करने की मांग यहां पे मेंबर की तरफ से की गई थी, तो इनका भी प्रेशर इनके ऊपर रहेंगे। हालांकि ये तो सबमिट कर दिए गए हैं, फिर भी देखिए कि अगर यहां पे बहुत सारे छात्र वेटिंग में होंगे तो वेटिंग तो क्लियर करना होगा फ्रेंड्स। बाकी जैसे जैसे और ऑफिशियल अपडेट आते हैं और डिटेल्स आती है जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।